और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इसका बहुत ही अच्छा नतीजा आएगा और हम लोग उनको रगड़ने में कामयाब होंगे। शायद ही वह ट्रेन पर खराब होती है ज्यादातर क्षेत्रों पर, यात्री असुरक्षित है, इसके लिए क्या करें? ट्रेन पर खराब हाल ही में शहरी हुआ है, जिसमें हम लोगों ने प्राथमिकी दर्ज किया है और चिन्हित भी किया है और उसमें काफी कमी आई है और जो भी तरह का शिकायत मिलता है तत्काल पर कार्रवाई करते हैं और पहले से इस तरह की घटनाएं बहुत कम होती है। इसमें जिला पुलिस, रेल सुरक्षा पुलिस और जीआरपी पुलिस के भी तालमेल बैठाकर ये जो शराब के जो माफिया हैं जो ट्रांसपोर्टेशन करते हैं ट्रेन के द्वारा और विभिन्न जगहों पर उतारते हैं शराब को और एस्कॉर्ट पार्टी द्वारा विरोध करने पर पत्थरबाजी करते हैं, तो उसके विरुद्ध में ये जो है पूरी मीटिंग को आहूत किया गया है और इसमें सारा हम लोग विचार विमर्श किए हैं। जो भी तीनों पुलिस का विंग्स है, आरपीएफ का है, जिला पुलिस का है, रेल पुलिस का है, ये सभी एक सूचना का आदान प्रदान करेंगे आपस में और जैसे ही इस तरह की कोई सूचना मिलेगी कि शराब उतरने आज की बैठक क्या बैठक हमारी जो है रेल और पुलिस प्रशासन कैसे कोऑर्डिनेट करके क्राइम कंट्रोल स्पेशली फोकस जो लिकर पे है, जो मूवमेंट हो रहा है ट्रेन के द्वारा स्पेशली कमिंग फ्रॉम बंगाल और जो झारखंड से गाड़ियाँ आती हैं, तो काफ़ी इंफॉर्मेशन रहती है, काफ़ी मूवमेंट होता है फॉरेन लिकर का, तो उसको कैसे हम लोग टैप करें टीम बना करके उसी के उसमें हम लोग यहाँ पे आज बैठक करें। हम लोग की उम्मीद है कि इस बैठक का अच्छा नतीजा निकलेगा और हम लोग को सफलता मिलेगी और भी जो भी हम लोग का रेल और पुलिस का जो कोऑर्डिनेशन कैसे हो सकता है उन बिंदुओं पर जाँच की गई है।